कुछ भी नया वीडियो लेकर आएंगे उससे पहले एक रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हमने क्या देखा था, पीएच ऑफ ईक एसिड कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। अगर हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं वीक एसिड की, यानी पानी बढ़ा रहे हैं और कंसंट्रेशन कम की जा रही है, यानी एसिड कम डिजोल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पीएच जो है सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। पीएच बढ़ने का मतलब होता है बेसिसिटी बढ़ रही है और एसिडिटी कम हो रही है। पीएच बढ़ने का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ रही है और एसिडिटी कम हो रही है। और एक और मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर जैसे आपकी कंसंट्रेशन 10^-6 हो जाए, यानी बहुत लो कंसंट्रेशन पे, आप एसिड वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, उसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 10^-8 HCl सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 6.98 है, ना कि 8 है जो डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो, ठीक है, क्योंकि वाटर का कंट्रीब्यूशन हमें इससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने का मतलब नहीं उसको पॉलीनोमियल वे में सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर ये मतलब नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं पिछली वीडियो में, तो ये हमारा एक बेसिक वो है कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया। अब हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री आज क्या लेकर आए हैं ये जरूर देखते हैं। आज प्रोफेसर केमिस्ट्री लेकर आए हैं सर जॉन जैकब बेजलस। तो बेजलस जो है 1769 से लेकर 1848 तक उन्होंने काम किया। वीडियो विकिपीडिया, ये जो इमेज है विकिपीडिया की है, लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है कि वाटर की जो एबिलिटी है ब्रेक डाउन करने की केमिकल्स को, यही हाइड्रोलाइसिस है। अब आप बोलेंगे कि यार ये बंदे ने बस इतना सा काम किया, नहीं, इस बंदे ने दो बहुत बड़े काम किए जो हमें पता होने चाहिए। इन्होंने केमिकल सिंबल्स पे काम किया, यानी जब हम कार्बन को सी बोल के लिख देते हैं उसमें हमारा सिलिकन और सेलेनियम जो है, ठीक है ना, सिलिकन और सेलेनियम जैसे जो एलिमेंट्स जो हैं इनकी भी डिस्कवरी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके अलावा थोरियम जैसा जो कंपाउंड है वो भी इन्होंने डिस्कवर किया था। तो छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े आदमी इज्जत करना सीखते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस का मजा ही तब है जब जो सेल्फलेस लोग थे उनके बारे में बात की जाए, टॉपिक्स पढ़ाते रहने से या हाइड्रोलाइसिस के बारे में जानने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हमें इंस्पिरेशन उन लोगों से मिलती है जिन्होंने बंद कमरे में अपनी जिंदगी खराब कर दी आज की जनरेशन के हिसाब से, और जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको हम बोल रहे कि जो बहुत हम मतलब टेकर फॉर ग्रांटेड रहते हैं। तो पिछला जो हम क्या बात कर रहे थे कि हाइड्रोलाइसिस की डिस्कवरी करने के बाद में क्या होता है कि वाटर की एक एबिलिटी है कि वो ब्रेक डाउन कर सकता है केमिकल कंपाउंड्स को। अब इसको समझने के लिए हमें चाहिए एक एग्जांपल। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री लेकर आए हैं कि अगर हम पीएच निकाले सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट्स एंड इट्स वीक एसिड, तो एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया हुआ है, और इसका पीएच कितना होगा, मतलब या फिर सिंपल सोच लो कि इसको हम एसिटेट आयन को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा, मतलब लोग सोचेंगे कि पीएच जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए क्योंकि एसिटिक आयन है, तो एक क्लिक दिमाग में आ जा रहा है एसिटेट आयन, एसिटेट, एसिटेट तो एसिड ही था। एसिटिक एसिड के बारे में तो सबने पढ़ा क्योंकि विनेगर का ही कंपाउंड है जो हम रूम अपने घरों में सिरका इस्तेमाल करते हैं, उसी का सोडियम डेरिवेटिव है, मतलब सोडियम सॉल्ट है। क्या हो गया, तो वीडियो के बारे में क्योंकि हम बहुत सारा काम करते हैं तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना आप ये सब करेंगे उतना ही हमको इंस्पिरेशन मिलेगी। हाँ, तो भाई पीएच 8.87 है, थोड़ा तो मुश्किल काम है, कैसे हो गया ये, सोचने पर तो नहीं होगा, थोड़ा हमें इसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स चाहिए, तो प्रोफेसर केमिस्ट्री से ज्यादा मैथ्स नहीं आता है क्योंकि इसका नाम ही प्रोफेसर केमिस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे इंसान को, और वो मैं नहीं हूं बेसिकली, वो एक जनरल साइंटिस्ट है जो प्रोफेसर केमिस्ट्री के नाम से वो है, जो सब कुछ जानता है और नहीं जानता है तो पढ़ता है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स ऑफ उसके अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे
तो एसिटेट आयन जो है एसिटिक एसिड और सोडियम प्लस में वो करेंगे। अब आप एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि एसिटेट आयन जो है बहुत मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो एसिड एसिटिक एसिड बनाएगा प्लस OH माइनस बनाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम प्लस भी तो वाटर से रिएक्शन करेगा और NaOH बनाएगा और H प्लस रिलीज करेगा, मतलब पहला को मतलब मुझसे कोई बोलेगा तो ये वाला क्वेश्चन है तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे, नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है बेटा। सोडियम प्लस जो है पूरा वाटर को मतलब वाटर से जब रिएक्शन करता है या वाटर के साथ में एक्वा स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब सोडियम विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, तो वो सोडियम वाटर के साथ में बल्क एक सोल्वेशन शेल में बंद है, ना कि एसिटेट आयन की तरह रिएक्शन कर रहा है, यहां पर वो बंद है, यहां पर वो रिएक्शन कर रहा है, तो क्योंकि रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन को आप समझने की कोशिश करते हैं। तो सी इनिशियल कंसेंट्रेशन देगी सी जीरो जीरो। इसको समझने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है कि कितना कंसेंट्रेशन हमारा रिएक्ट कर गया है और कितना हमारा इनिशियल था। अगर हम सी टी निकालेंगे तो इट विल बी सी एच। ये वो कंसेंट्रेशन है जो हमारी फॉर्म्ड हो गई है टाइम के साथ में। लेट्स से कि अगर हमारी कंसेंट्रेशन सी एच फॉर्म्ड हो गई है कुछ टाइम के बाद में तो सी एच ही तो निकलेगी, और अगर सी एच निकलेगी तो ओ एच माइनस की भी तो सी एच ही होगी। ये हो गई एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो के एच जो है जो हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट है वो एसिटिक एसिड फर्स्ट देन ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ माइनस, ठीक है, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस और सी एच थ्री सी ओ माइनस, ठीक है। अब अगर हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट हमको निकालना है तो एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करते हैं कि हम दोनों साइड में एसिड की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एसिड की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और ये जो टर्म है ये हो गई के डब्ल्यू, और ये जो बची हुई टर्म जो है इट इज एसिड कॉन्स्टेंट। ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म बच गई है, ये हो गई एसिड कॉन्स्टेंट के डब्ल्यू बाई के ए, ठीक है। के डब्ल्यू बाई के ए हो गया तो के एच निकालने के लिए अगर हम वापस जाएंगे तो के एच क्या था हमारा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सी माइनस सी एच, वही मैंने अपनी वीडियो में लिखा हुआ है यहां पे सी एच स्क्वायर सी सी माइनस सी एच। सी कॉमन लेके सी काट देते हैं यहां से ऊपर तो सी एच स्क्वायर वन माइनस एच के डब्ल्यू बाय के ए, ये पहली टर्म हो गई। वन माइनस एच को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बहुत कम होता है, होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब के डब्ल्यू बाई के ए अगर आप निकालोगे उसको सी से डिवाइड करोगे, मतलब इसको सी से, ये यहां पे था ना तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट में है ये, ठीक है, नीचे की साइड है ना कि ऊपर साइड, तो इट इज पॉइंट हाफ और एच निकल गया, इससे सी एच निकाल सकते हैं और सी एच क्या होगा के डब्ल्यू सी, सी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जाके सी स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी बाई के जीरो पॉइंट हाफ, और एच प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगी के डब्ल्यू ओ एच माइनस के डब्ल्यू, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन अंदर जाएगा तो फिर, ठीक है, मतलब क्योंकि डिवीजन में है तो के जो है नीचे पहुंच जाएगा, उस तरीके से पीएच निकाल लेंगे और इस सोल्यूशन का पीएच जो होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स हमने समझ ली लेकिन कोई भी मैथमेटिक्स तब तक मतलब मैं नहीं मानता जब तक वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके, ठीक है ना। जनरल केस के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब हम एक अच्छे से केस के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्या है, एक पीएच है कि पीएच निकालना है हमें 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, और एसिड एसिड का जो कांस्टेंट है एसिडिक कांस्टेंट वो है 1.8 × 10⁻¹⁵। तो एसिटेट आयन जो है वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यही एक रिएक्शन बनेगी सी जीरो जीरो सी माइनस सी एच सी एच सी एच। तो अगर हम के डब्ल्यू बाई के ए निकालेंगे तो सी एच स्क्वायर रहेगा, एच निकालेंगे तो के डब्ल्यू बाई के ए डिवाइडेड बाई सी, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसके अंदर चला जाएगा सी स्क्वायर से, और उस वाले सी स्क्वायर से जो नीचे वाला सी है वो कट जाएगा, यानी ऊपर वाली टर्म में सी आ जाएगा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे के डब्ल्यू से के डब्ल्यू, और मतलब चूंकि हमारा के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस क्या रहेगा एच प्लस,
वही टर्म हमने कैलकुलेट की है, और जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के लिए 0.1 सॉल्यूशन के लिए इतना OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। और इसके लिए अगर हम POH निकालेंगे तो इट विल बी माइनस लॉग OH माइनस, और pH कितना होगा 5.13, और pH निकल कितना आएगा 8.87। यानी जो एसिटेट आयन है उसको वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो pH एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। माइल्ड बेसिक है लेकिन एसिडिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई गेस प्रोफेसर केमिस्ट्री बहुत स्मार्ट है, उनकी स्मार्टनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये हमको जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है ये इतनी इजीली कहीं पे नहीं मिलती हैं। और जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, जो मैं लेक्चर्स लेता हूं, जो मैं एक्चुअली में पढ़ाता हूं और जो मुझे मतलब पेड में कभी बनाना पड़ा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना पड़ेगा। पहले तो पेड होगा नहीं, लेकिन कभी भी लाइफ में अगर पेड करना भी पड़ा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पेड में सिर्फ तभी चाहता हूं ताकि मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, ना कि मतलब मेरा एम ये रहेगा कि मतलब मैं लोगों को पेड कोर्सेज के लिए वो करूं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए।